क्रिकेट इतिहास का वो फास्ट बॉलर जिसकी वजह से क्रिकेट में हेलमेट अनिवार्य हो गया। 6 फुट 5 इंच का भीम का शरीर और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। जब उसकी गेंद विकेट पर पड़कर उछाल भरती हुई आती थी तो विपक्षी बल्लेबाज के पैर थर्रा जाते थे। चेहरे पर कातिलाना मुस्कान और लगातार फेंकी जाने वाली उसकी चकमा देने वाली घातक बाउंसर की दहशत ने क्रिकेट हलके में उसे स्माइलिंग असैसिन और हॉर्समैन ऑफ डेथ का नाम दिया। और 70 से 80 के दशक में उसके रफ्तार के सामने पहली बार क्रिकेट में प्रायोगिक तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल शुरू हुआ और धीरे धीरे उसे अनिवार्य कर दिया गया। क्रिकेट की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी सीरीज क्रिकेट लेजेंड्स की इस प्रेजेंटेशन में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट इतिहास के उस फास्ट बॉलर की कहानी जिसने 70 और 80 के दशक में विपक्षी बल्लेबाजों के दिल में अपनी रफ्तार और डेडली बाउंसर से दहशत मचा दी थी। कौन था वो बॉलर? चलिए आज सुनाते हैं आपको उसकी हैरत अंगेज और सनसनीखेज कहानी। क्रिकेट या भैया की जुबानी। नाम कोलिन क्रॉफ्ट। कद 6 फुट 5 इंच। बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म फास्ट। रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा। टेस्ट रिकॉर्ड 27 मैच 125 विकेट। वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड 19 मैच 30 विकेट। ये साल 1970 का वो दौर था जब वर्ल्ड क्रिकेट में वेस्टइंडीज की तूती बोलती थी, जिसकी वजह थी एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर और कोलिन क्रॉफ्ट की वो चौकड़ी जिनकी रफ्तार और डेडली बाउंसर ने दुनिया भर के बल्लेबाजों के नाक में दम कर रखा था। और उसमें सबसे खूंखार बॉलर का नाम था कोलिन क्रॉफ्ट। 15 मार्च 1953 को दमेरेरा के ब्रिटिश गुयाना के लैंकेस्टर विलेज में पैदा हुए इस तेज गेंदबाज ने अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज साल 1977 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू से किया था। और इसके बाद उन्होंने उस दौर के जिस भी बल्लेबाज के सामने बॉलिंग की उसने उनकी रफ्तार और बाउंसर के सामने खुद को हमेशा असहज पाया। आगे इस वीडियो में आपको सुनाएंगे कोलिन क्रॉफ्ट के कैरियर से जुड़ी कुछ मज़ेदार और दिलचस्प किस्से और बताएंगे कि क्यों और कैसे कोलिन क्रॉफ्ट ने क्रिकेट में हेलमेट को अनिवार्य बनाया और वो कौन सा बल्लेबाज था जिसने क्रिकेट इतिहास में पहली बार हेलमेट पहनकर कोलिन क्रॉफ्ट का सामना किया। ये वाक्या साल 1977 का है जब कोलिन क्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अपने करियर का आगाज किया था। और करियर के अपने शुरुआती दौर में ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिससे क्रिकेट वर्ल्ड में उन्हें एक नई पहचान मिली। और वो रिकॉर्ड था पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में किसी भी वेस्ट इंडियन राइट आर्म फास्ट बॉलर द्वारा महज 29 रन देकर 8 विकेट लेने का रिकॉर्ड, जो कि आज तक कायम है। साल 1977 में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और उस जमाने की दिग्गज टीमों के बीच एक सीरीज खेली गई जिसका नाम था वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। और इसके एक मैच में एंडी रॉबर्ट्स की गेंद पर डेविड हुक्स अपना जबड़ा तुड़वा बैठे थे जिससे चारों ओर दहशत फैली हुई थी। और इस सीरीज में पहली बार इंग्लिश बैट्समैन डेनिस एमिस ने फाइबर ग्लास से बनी हेलमेट का प्रयोग किया, जो कि उस समय मोटरसाइकिल चलाने के लिए किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब पहली बार डेनिस एमिस ग्राउंड पर मोटरसाइकिल चलाने में प्रयोग किए जाने वाले इस हेलमेट को पहनने के लिए बैटिंग करने उतरे तो लोगों ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि आपकी हेलमेट तो आपके पास है लेकिन मोटरसाइकिल कहाँ है। लेकिन कोलिन क्रॉफ्ट और कंपनी की तेज रफ्तार गेंदों और बाउंसर से खुद को बचाने के लिए डेनिस एमिस ने इसकी परवाह ना करते हुए पहली बार क्रिकेट में हेलमेट का इस्तेमाल किया। इसके एक साल बाद साल 1978 में वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और उनकी पेस अटैक में कोलिन क्रॉफ्ट, एंडी रॉबर्ट्स, जोल गार्नर और माइकल होल्डिंग का नाम शामिल था। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ग्रहम येलोप ने कोलिन क्रॉफ्ट का सामना करने के लिए डेनिस एमिस की राह पर चलते हुए टेस्ट क्रिकेट में हेलमेट का दूसरी बार इस्तेमाल किया। और उसके बाद धीरे धीरे हेलमेट का चलन क्रिकेट में शुरू हो गया और क्रिकेट में हेलमेट अनिवार्य हो गया। दोस्तों,
आंकड़े देखकर अगर आपको ये लग रहा हो कि इस तेज गेंदबाज का टेस्ट और वनडे कैरियर छोटा है, तो आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि ये वो दौर था जब आज की तरह क्रिकेट सीरीज खेलने का प्रचलन नहीं था, लेकिन 70 और 80 के दशक में बल्लेबाजों के दिलों में कॉलिन क्रॉफ्ट के लिए जो दहशत थी, उसी के कारण उन्हें क्रिकेट हलके ने स्माइलिंग असैसिन का नाम दिया था, जिसका हिंदी में मतलब होता है मुस्कुराता हुआ हत्यारा, जिससे इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि 70 और 80 के दशक में इस बॉलर की दहशत बल्लेबाजों के दिल में किस तरह घर कर गई थी। दोस्तों, आपका पसंदीदा फास्ट बॉलर कौन है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी दिलचस्प स्टोरीज सुनने और देखने के लिए हमसे आज ही जुड़ जाइए।